हिम्मत मत हार पोते, कुछ नहीं होगा धरा, मान मेरी बात। तो सब इधर भाभी वेट कर रहे हैं। गोम्बी के पास गए और जाके गोम्बी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर। गोम्बी मान जाओ अभी ठीक हो जाएगा सब। ये नताशा के रूम के बाहर भी सब लोग जा रही, नताशा का रूम भी देख रहे हैं। तो जैसे डॉक्टर अभी कुछ आके बताया कि ऑपरेशन हो गया है तो बाहर कब शिफ्ट करेंगे उसको, बच्ची को मिलने कब जा सकते हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं उधर। नताशा के रूम के बाहर भी डॉक्टर से आ रहे हैं जा रहे हैं, उधर देख रहे हैं नर्स वगैरह आ रही है। उसको भी शिफ्ट उफ्ट करने की प्लानिंग कोशिश कर रहे हैं लोग। दवाई के रूम के बाहर भी नर्स और डॉक्टर आते जाते रह रहे हैं, बार बार उसको चेक कर रहे हैं, सही करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। देव गोम्बी को बोला, अरे गोम्बी इस परिवार को उसके बड़े बेटे की जरूरत है। गोम्बी क्या कर रहे हो, आप नहीं टूट सकते हो। गोम्बी प्लीज संभालो अपने आप को। अगर टूटूंगा नहीं मैं मर जाऊंगा देव, अगर धरा को कुछ हुआ ना तो मैं मर जाऊंगा। जैसे नर्स आई आती है धरा जी की हार्ट बीट वापस से चलने लगी है। थैंक तो मैं तो जीते जी मर जाती। पर अभी भी उनकी हालत बहुत गंभीर है। हमने उन्हें रिवाइव की फैल है, सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बस वो सस्टेन हो जाए। देख दो डंडे लगे नहीं आगे वापस, बच्चों को जब तक डंडे नहीं पड़ते ना अंकल नहीं जाती। समझ गया है तू, अब क्यों रो रहे हो भाई? हम तो ठीक हो गए ना यार। अरे हाँ यार भाभी ठीक, श्योर भी बोला भाभी ठीक हो गए ना। गोम्बी क्या खुशी मना रहा, अभी क्यों रो रहे हो? सब सब ठीक हो गया ना? आपको संभाल रहे हो गोम्बी? अरे बस कार ठीक हो गई है भोलेनाथ की कृपा से, अभी ठीक हो जाएगी, हम लोग जाके उसे मिल भी सकेंगे। मान मेरी माँ उसके हालत तो है ना अभी की जगह की। तो इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ तो फिर ठीक तो होगी ना, पर ठीक हो जाएगी ना, नर्स ने बोला ना। फिर पर माँ अभी तो सिर्फ उसकी हार्ट बीट भी वाइब है, उसका ठीक होना बहुत बाकी है। मैं फ्रेश नॉन तो कैसे भी कर दूँ, ठीक कर दूँगा माँ प्लीज।